हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी हाइट इंक्रीज करने में। और बहुत लोग क्या लगता है ना कि अगर हम ये एक्सरसाइज करते तो मेरा हाइट बढ़ जाता, अगर हम ये गलती नहीं करते तो मेरा 110% मेरा हाइट इंक्रीज होता है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ इसमें फैक्ट बताऊंगा, कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी हाइट इंक्रीज करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी जंप, ठीक है। जंप किस वे में करना वो देखिए, आपका हाथ ऐसे रहेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करना है, टो पे, इस पे, ठीक है, एंकल पे बिल्कुल नहीं, टो को अप करेंगे। अब धीरे धीरे दो बार जंप करना, देखिए ऐसे लाइट वेट में, 1 2। अब क्या करेंगे, पूरा जितना ताकत है उतना सुपरमैन टाइप से पूरा, ठीक है, 1 2 पूरा, 1 2। तो इस तरीके से डेली आपको कम से कम 100 बार 150 बार करना, एक बार में नहीं, फिर पता चलेगा कि आप चकरा के गिर जाएंगे, ठीक है। तो कितना करेंगे, एक बार में 10 और सेट डिवाइड कर लीजिएगा, जितना आपका 150 100 हो जाएगा। बहुत लोग क्या लगता है ना कि अगर हम अच्छा तरीके से खाते, अगर हम सुबह में ये वाला एक्सरसाइज करते, अगर हम लटकते तो मेरा हाइट इंक्रीज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका हाइट का बढ़ना और घटना सबसे मेन रीज़न है आपका पेरेंट्स का, यानी आपके मम्मी पापा का जीन। बहुत लोग देखे होंगे कि मम्मी पापा का हाइट इतना छोटा, लेकिन उनका बाल बच्चे इतना गया, तो वो क्यों हुआ, मतलब उनका पापा का जीन नहीं गया। ऐसा नहीं है कि आपके पापा का ही जीन चला जाएगा, हो सकता है आपका दादा जा सकता है, आपका दादी जा सकता है, आपका नाना का, नानी के, या बहुत सारे पूर्वज को, ठीक है। अब करेंगे आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, वो है आपका बैक बेंडिंग, यानी आपको करना है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज कैसे करेंगे वो देखिए, सबसे पहले आपका पोजिशन ऐसा रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या करना, आपको पीछे जाना, धीरे धीरे जाइएगा, ठीक है, धीरे धीरे, बस। अब आप यहाँ जो कमर देख रहे हैं, यानी स्पाइन को, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को क्या करेंगे, अप करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। अब 10 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको करना। अब बहुत लोग इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक हैक बता रहे हैं कैसे करेंगे आप, सिंपल सा, आप इस तरीके से लेट जाइए, ठीक है, पैर को मोड़िए, हाथ को ऐसे रखिए, अब तो हो जाएगा, ये तो ईजी है। अब जब आपकी हाइट इंक्रीज होगी ना, सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका स्पाइन कॉर्ड, ये आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अगर इसमें आपका लचीलापन नहीं आएगा ना, तो आपका हाइट कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी, ये क्या करना है, ये देखिए, धीरे धीरे क्या करना, आगे झुकना इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए, बैक बैंड, मतलब ये जो स्पाइन कॉर्ड है ना, इसको क्या करना, स्ट्रेच करें, ऐसे झुके, और हाथ क्या करेंगे, यहाँ टच करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ होल्ड रहना आपको, 1 2 3 4 5। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, अपने नी को मोड़ लेते ऐसे, और ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करिएगा तो आपका स्ट्रेच नहीं आएगा, जब तक आपके सारे जॉइंट्स में स्ट्रेच नहीं आएगा तो आप मतलब गलत कर रहे हैं। जब आप इसको कम से कम 3 सेकंड से ज़्यादा करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या है ना कि आपके सारे जॉइंट्स मतलब क्या फटने लगेगा, दर्द करने लगेगा, स्ट्रेच करने लगेगा, मतलब आप सही कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से कम 2 मिनट 3 मिनट आपको करना है, ठीक है। सेट अपना खुद डिवाइड कर लीजिएगा कि मेरा 2 से 3 मिनट कितना में होता है। अब करेंगे आपका फोर्थ एक्सरसाइज, आपका कोबरा पोज। ये कोबरा नहीं दिखा रहे, कौन कोबरा। सबसे पहले आपको ज़मीन में लेटना है इस तरीके, ठीक है। अपना हाथ कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है, पूरा पीछे। अब क्या करेंगे, उठेंगे इस तरीके से, या स्ट्रेच करेंगे, ये इस तरीके से पूरा ऊपर जाएंगे, ऐसे छूना नहीं आपको, स्ट्रेच करना, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, ये, और स्ट्रेच पूरा का पूरा कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका स्पाइन कोड में आएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में आएगी, और ये आपके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। जितना आप अपना बैक को स्ट्रेच करेंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा, ठीक है। ऐसे करेंगे, फिर क्या करेंगे, जब आपका ये हो जाएगा हार्डली 8 से 10 सेकेंड, फिर क्या करेंगे, पीछे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रेच करेंगे झुक के, ठीक है। फिर वही करेंगे, ठीक है, ये स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच। तो कितना करेंगे, इसको भी सेम आपका 1 से 2 मिनट करना है, और मन से, अगर आप मन से नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका लास्ट एक्सरसाइज है वो आपका फिफ्थ, ये आपको चलना है इस तरीके से, ठीक है, ये तड़ासन बोलते इसको, ठीक है, ये कहाँ चलेंगे, ज़मीन पे चलेंगे, कितना तक, कम से कम तो 20 मीटर 30 मीटर आपको चलना है, ठीक है, पूरा स्ट्रेच। देखिए काप मसल
मेरा स्टेज हो रहा होगा, देखिएगा ये देखिए काम मस्त स्टेज है ना, और अपने को पूरा पुश करिए ऊपर, ये पूरा ऊपर पूरा ऊपर पूरा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आपको कम से कम 15 से 20 मीटर आपको चलना है, ठीक है। जो आप चल लीजिएगा फिर क्या करना, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे हो गया आपका रनिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो अगर आपके पास स्विमिंग की फैसिलिटी है तो आप स्विमिंग कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास बार है, बार में भी आप लटकिए इस तरीके से, ठीक है, लटक के आप झूलिए, बचपन में कैसे बोलते थे मम्मी पापा आपके, ए इसको रस्सी दिला दो, स्किपिंग ऐसे करेगा, और फिर क्या कर रहा है, तुम उछलना है, मतलब सबको मालूम है कि उछलने से, कूदने से, लटकने से आपका हाइट इंक्रीज होता है, लेकिन हाइट इंक्रीज होता है रियलिटी में बताइएगा बहुत कम लोग का होता है, ठीक है, मतलब 100 में से 10 लोग का ही हाइट इंक्रीज होता है। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि हम सूर्य से साइजिंग कर रहे हैं। 90% आपका DNA टेस्ट करेगा, यानी आपका DNA ही बताएगा कि आपका हाइट बढ़ेगा या नहीं। 5% आपका एक्सरसाइज और 5% आपका न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन तो समझ ही रहे हैं आज के डेट में क्या मिल रहा है। अगर आप चिकन खाने जाइएगा तो ले इंजेक्शन, उसमें इंजेक्ट किया जाता है बड़ा करने के लिए, नाम के लिए पेट भर है, ठीक है। तो दोस्तों यही आपकी कुछ एक्सरसाइज है, कुछ आपकी बातें हैं, अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो मे बी आपका हाइट बढ़ जाएगा, और नहीं बढ़ने का रहेगा तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए नहीं बढ़ेगा। जस्ट लग देख रहे हैं आप हमको, ठीक है, हम भी बहुत साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हाइट नहीं बढ़ा, बस बताते गया तुम लटको, ये करो वो करो, और आपके सामने, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या आपको अपनी पसंद की वीडियो बनानी है तो आइए इंस्टाग्राम पर रवि राजरंजन 100 हमारा यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो नए यूजर है, जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RRR Fitness को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका भाई का यूट्यूब चैनल है, जो आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।